देखिए जब कोई फल कच्चा से पकता है जैसे आम कच्चा जब पकेगा तो कैसे पकता है बैक्टीरिया से वायरस से इसे ज्यादा जब पका हुआ ओवर राइप फल खाए तो सब बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं हो तो सकता है दिक्कत करे फलों में पेड़ पौधों में जो बैक्टीरिया होते हैं जो फल पकता है कच्चे से पकता तो बैक्टीरिया से बढ़ते हैं तो बैक्टीरिया हमारे लाभदायक होते हैं अंदर जाते हैं तो मरते नहीं ना हमें कोई दिक्कत करते हैं हाँ अगर ओवरराइप फल खा रहे हैं तो दिक्कत करेगा अगर ओवर राइट हो कोई भी फल तो उसको गर्म कर लीजिए आग पर उसे गर्म करने से बैक्टीरिया मरते नहीं है हो जाते हैं और याद रखिए कि जो खाना चावल दाल रोटी होता है जिसको उबाल के खाते हैं उसको खाने में दिक्कतें बिल्कुल नहीं होती है लेकिन हम ज्यादा खाते चावल दाल रोटी आदि जो खाना खाते मात्रा में कम खाइए फल खाते फल आप रात्रि में ना खाइए रात्रि में फल खाइए तो और कुछ ना खाइए कोई अनाज ना खाइए क्योंकि फल में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है आप पका हुआ खाली पपीता ढेर सारा खरबूजा खा लिए तरबूज खा लिए बेल खा लिए तो ढेर सारे बैक्टीरिया एक चली गई अपने अंदर अगर बैक्टीरिया अपने अंदर गए तो अगर आप जागृत तो अवस्था में रहते तो उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है आंतों को ठीक करते हैं कोलन को ठीक करते हैं समस्याओं को दूर करते हैं इससे दोपहर का खाना इतना कम खाइए कि आपको तीन बजे के आसपास थोड़ा फल खाने को मिल जाए पता खाना क्या खाएं खाना कुछ खाते ही नहीं क्या करते है? दो ही रोटी तो खाते हैं अरे हम तो एक ही खाते हैं मर तो गए नहीं कभी एक खाते कभी चार खाते कभी नहीं खाते तो खाना इतना खाइए क्या आप लगभग ढाई तीन के बीच में भूख लगे थोड़ा फल खाइए मौसम का खरबूजा है तरबूज है बेल है ये सब खाइए थोड़ा तो सा फल खाएंगे इसमें सफिशियंट बैक्टीरिया होता है जो फायदेमंद होता है आप हाथों में आकर के आंतों को मूवमेंट करता है पैसल्टिंग मूवमेंट ठीक करता है तो आपके आंतों में कोलन में जो खाना खाते हैं वो इकट्ठा नहीं होने पाता है आगे बढ़ जाता है वो खाना खाते गए आपके छोटी आंत में बड़ी आंत में खाना इकट्ठा हुआ तो अगर हाथ का डायमीटर ये है डायमीटर बढ़ने लगता बढ़ते बढ़ता इतना हो गया जब डायमीटर इतना हो गया कोलन का हाथों का तो खाना पूरा जब तक भरेगा नहीं आगे जाएगा नहीं पता इतना पेट निकला है वो पेट निकला फैट नहीं है आते मोटी मोटी हो गई उसमें खाना ठूस करके भरा हुआ है कोई कोई आदमी पांच पांच छह छह किलो का मल लेके चलता है मल कोई खतरा नहीं है मलम उतनी आवश्यकता नहीं, नहीं लेके चलने की इसे दोपहर के खाने में सुबह इतना खाना खाइए कि आपको लगभग तीन बजे तक भूख लग जाए तो थोड़ा फल खा लीजिए खरबूजा खा लीजिए तरबूज खा लीजिए बेल खा लीजिए तीन मौसम के फल है फिर शाम को फल न खाइए रात्रि में ना खाइए एक बार पर्याप्त है तो रात्रि का भी खाना हल्का खाइए एक कम ज्यादा मत देखिए कि हम बारह रोटी खाते थे तब दो ही में कैसे काम चलेगा ये बार मैं कक्षा तीन में पढ़ रहा था आगरा में था बहुत स्वादिष्ट टिंडे की रोटी सब्जी बनी थी और हमारी चाची रोटी बना रही थी हम और हमारे चाचा ने सोचा आज चलो खूब खाया जाए इनको परेशान किया जाए ग्यारह रोटी में अकेले खाया था वो पता नहीं कितनी खाए पूरा आटा खत्म हो गया लेकिन अब तो नहीं खाते ना हम अब तो नहीं खाते वो तो, तो कंपटीशन में खाए थे कंपटीशन में ग्यारह गिलास दूध पिए थे अब तो पीते ही नहीं इस तरीके से याद रुखी सुबह लंच का समय रात्रि का समय केवल अनाज खाइए चावल दाल रोटी ये खाइए सलाद में केवल प्याज ले लीजिए नींबू ले लीजिए मिर्चा भी ले सकते हैं बाकी और मत लीजिए कोई चीज़ खीरा ककरी आप मत लीजिए और जब आप दोपहर में ढाई बजे के आसपास तीन बजे के आसपास थोड़ा फल ले लीजिए खीरा मन ले भी ले लीजिए ककड़ी भी ले लीजिए बेल ले लीजिए खरबूजा तरबूज ले लीजिए इस तरह से खाना खाइए बेल खाइए पूरा बीज के साथ खाइए तरबूज भी बीज के साथ चबा चबा के खाइए जो भी फल खाइए उसका बीज अवश्य खाइए खरबूजे का बीज में जो एक थोड़ा सा लिबलिबापन होता है बहुत ही पौष्टिक होता है उसमें डालिए चूसी बीज को खूब चबाइए उसका एक्सट्रैक्ट लीजिए जो बीज जो पेस्ट ना बना पाए उसको थूक दीजिए ऐसे तरबूज का बीज आम उम्मीद चबाइए जो पेस्ट बन गया नहीं बन पाता उसको हटा दीजिए इस तरह से खाना खाइए हम आपको बता रहे हैं करके देखिए क्या होता है चार पांच दिन में बहुत फर्क पड़ेगा यही खाना खा करके इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है पंद्रह बीस बीस साल की पुरानी डायबिटीज ठीक हो गई